आप लोग जिस काम के लिए पधारे हैं, मैं थोड़ा पहले उसका दार्शनिक पक्ष आपके सामने रख दूं, क्योंकि आज हम जो कुछ भी कर्मकांड कर रहे हैं धार्मिक जगत में, उसका कोई क्रियात्मक रिजल्ट नहीं मिल रहा है हमको, सामने से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। ठीक है, कलयुग है, हम एक पतन के काल से विदेशी आक्रमण, विदेशी आताई लोगों ने हमारे धर्म को बहुत नुकसान पहुंचाया, समझे। हमारे ऋषि उस पतन को नहीं रोक सके, तो अब जो उत्थान हो रहा है संसार की कोई शक्ति से नहीं रोक सकेगी। ये एक ऐसा दर्शन है जो आत्म साक्षात्कार करवाता है मनुष्य से। गुरु दूसरा जन्मदाता है, भौतिक माता पिता इस शरीर की आडवास की रचना करते हैं, गुरु आत्म साक्षात्कार करवाता है। अंग्रेजी में इसको कहते हैं स्पिरिचुअल प्रिसेप्टर, समझे, हम यहां गुरु कहते हैं। तो ये एक विकास है जो होना था, शुरू हो गया। मैं भी आपकी तरह गृहस्थी आदमी हूं, समझे समझे। इसमें दो रास्ते हैं, प्रवृत्ति और निवृत्ति। निवृत्ति मार्ग बड़ा कठिन है, संन्यास वाला, फिर उसमें मोह लालच कहीं कहीं फंसा लेते हैं। ये प्रवृत्ति मार्ग है, गृहस्थ में रहते हुए भी आराधना कर सकते हो आप। तो मेरे गुरुदेव निवृत्ति मार्ग थे, रामकृष्ण परमहंस प्रवृत्ति मार्ग थे, विवेकानंद जी निवृत्ति मार्ग थे। तो एक चेला गुरु तो सन्यासी चेला, ये तो चलती आई है। तो मेरे गुरुदेव गंगानाथ जी महाराज नाथ नाथ मत के अनुयायी थे। गोरखनाथ जी ने इसको 12 भागों में बांटा नाथ मत को, तो 11 तो शिव उपासक है, एक शक्ति उपासक है। मेरे गुरुदेव गंगानाथ नहीं कहते, गंगाई नाथ इसीलिए कहते हैं, आई पंथ ही है ये, अस्थल भोर में हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर है। तो उनके आदेश से मैं यह काम करने निकला हूं। आज जितने भी गुरु हैं इस देश में, उनका गुरु कोई नहीं, स्वयं गुरु बने हुए लोग हैं। और गुरु के आदेश के बिना इस रास्ते में आगे नहीं बढ़ा जा सकता। तो मुझे भी परेशानियां होगी, देख भौतिक व्यक्ति हूं, गृहस्थी व्यक्ति हूं, एक फोबिया टाइप रोग हो गया, फोबिया। अकारण इसमें क्या होता, अकारण मृत्यु भय लगने लग जाता है, कारण कोई नहीं नजर आता। डॉक्टर का कोई रोग नहीं। तो मेरे एक मित्र थे श्री राम जी दुबे, यूपी के थे, उन्होंने कहा तो आपको मार्केस की दशा है, मार्केस की दशा। मैंने जानता था मार्केस वार्केस क्या होता है, पूछा तो कहने लगा ये होता। मैंने कहते सभी का आएगा दुबे जी, कल के जी बचा भी जा सकता, हमारे दर्शन इसके कई उपाय है। मैंने कहा क्या है, मेरे को लगे महामृत्युंजय का जप करो। वो बहुत कर्म कांड था, अजीब सरकार, मेरे बस की बात नहीं थी। मैंने कहा दुबे जी आने दो इस मार्केस को। उन्होंने कहा जी गायत्री मंत्र से भी हो सकता है, मैंने वो तो कर लूंगा। तो गायत्री मंत्र का जप किया, मानसिक जप, बोल के नहीं, बाकायदा दीपक जलाता, हर मंत्र के पीछे स्वाहा के साथ आहुति देता, नहीं तो कहते उग्र हो जाता है। तो 1,25,000 जप कर तो कर लिया। सर्दी के नवरात्र में क्या था, 1 जनवरी को इसकी सिद्धि होगी। मैं जब तक ये चेतना नहीं आई तब तक मुझे नहीं मालूम था इसका क्या इफेक्ट होता, इसका अर्थ क्या होता है। उस दिव्य प्रकाश को अपने अंदर धारण करने की प्रार्थना है।
आज तो नहीं उठना, बकायदा जन्ने भी दिलाई पंडित जी ने, समझे। तो आंख तो खुल गई और लेटे लेटे ध्यान लग गया। मैं कुछ दिन पहले प्रोबेशनर मेल नर्स था बीकानेर में, पीबीएम हॉस्पिटल है सबसे बड़ा। तो डॉक्टर जो पोस्टमार्टम करते उसमें हमको साथ ले जाते थे, ये ऑर्गन क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है बताने के लिए। तो मुझे मालूम था कि हार्ट कहाँ है, तिल्ली कहाँ है, लीवर कहाँ है, ब्लड सर्कुलेशन, किडनी, सबकी शक्ल और फंक्शन मालूम था। तो ध्यान लग गया तो सारा जो डिवाइन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गया, मतलब दूध या प्रकाश के अंदर सारी बॉडी जो है एक प्रकाश युक्त। मैंने कहा ऑर्गन्स गायब, और मैं क्या दिखता, तो आंख से ही अंदर कुछ दिखता ही नहीं है, केवल सफेदी, दूधिया सफेदी। उस सफेदी पे कॉन्सेंट्रेट हुआ तो एक बोहरा होता है काला वाला, वो वैसे गूंज रहा था पेट में। उस आवाज पे ध्यान कॉन्सेंट्रेट किया तो वो गायत्री मंत्र जपा जा रहा था नाभि से। मैंने जपा कंठ से, जपा जा रहा था नेवल पावर, नेवल पावर सुप्रीम पावर, समझे। हमारे दर्शन में पांच प्रकार की वाणी होती है, बैखरी, मध्यमा, पश्यंती, परा। तो सारे ग्रंथ तो लिखे हुए परा में, हम बैखरी से सुना रहे, इसलिए समझ में नहीं आ रही। आदमी मतलब उस तक आधे तक चेतन नहीं हुआ। बड़ा आश्चर्य हुआ, मैंने कहा ये तो बड़ी अजीब अपने आप जपी जा रही है। बीच में स्वामी विवेकानंद जी आ गए, उन्होंने कहा जी गुरु के बिना तो इस लाइन में आगे नहीं बढ़ा जा सकता। तो मैंने नाथ जी को गुरु बना लिया, समझे। और मैं तो मान के चलता था कि ये बेचारा, इसको तो हम देते हैं तो ये क्या देगा हमको। और जाते वक्त आदेश करके 31 दिसंबर 1983 को ब्रह्मलीन हुए, कह दिया आगे का काम तेरे को करना है। मैंने कहा बाबूजी मुझे कौन रिकॉग्नाइज करेगा। तो उन्होंने कहा तेरे को एक सिद्ध आसन दिया है, तू जहां भी बैठेगा बैठ जा। तब से लगातार ये 1990 से ये काम कर रहा हूं, समझे। 84 में कृष्ण की सिद्धि हो गई गुरुदेव की कृपा से, वो भी सामने आ गया। तो इस प्रकार निर्गुण और सगुण की दोनों सिद्धियां एक ही जन्म में हो गई। महर्षि अरविंद ने इसको बड़ा स्पष्ट किया है, उन्होंने कहा जी हमारे देश में दो तरह की आराधना है, एक तो गुरु से दीक्षा लेके नाम जप करो, या दूसरा भगवान कृष्ण के मंदिर में जाओ, तुलसी चरणामृत लो, सात्विक जीवन जीने का प्रयास करो। तो इस प्रकार मुक्ति तो दोनों ही पार है, निर्गुण निराकारी, सगुण साकारी। मगर मुक्ति के लिए एसेंड करना पड़ता था, यहां पहुंचना पड़ता था, सहस्रार में जहां आजाद दल कमल में ईश्वर विराजमान है। अरविंद ने कहा कि दोनों सिद्धियां अगर एक ही जीवन में हो जाए, निर्गुण और सगुण की, किसी नए ऑर्गेनिज्म में नहीं, तो फिर मानव मात्र का कल्याण होगा। अब मुझे ये सारे इनोसेंट वे में ही होगी। आज जो हूं वो मैं नहीं बनना चाहता था, मैं भी एक भौतिक आकर्षण वाला व्यक्ति रहा, मगर ये जो प्रकाश हो गया उसने मेरी काया ही पलट कर दी। बीकानेर में पुष्करणा समाज के बहुत लोग हैं, उनको जब पता लगा वो आए मेरे पास, कहले जी क्या हुआ। मैंने कहा ऐसा हुआ, कहते ये तो किला हुआ मंत्र है, आपको तो सिद्धि होगी, आप तो फिनिशिंग पॉइंट पर पहुंच गए, आप इसका तांत्रिक प्रयोग करो, लोग लाखों रुपए देंगे, हमारे भी भला हो जाएगा साथ में। पहले तो मैं नहीं समझा क्यों देंगे लाखों रुपए, मगर जो परिवर्तन मुझ में आया उससे मुझे विश्वास हो गया गड़बड़ तो होगी तेरे में। फिर मैंने कहा महाराज देखो बात साफ है, ये तो फिर मैं सोना देऊं और लोहा लेऊं ऐसी बात है, तो मैं ये काम नहीं करूंगा। वो आखिर में परेशान होकर नहीं माने तो कह गए ये तो जाट है, इसकी अकल में आएगी नहीं, चलो पीछा छूट गया।
तो रेल की नौकरी में तो भाई रिटायरमेंट था, इसमें रिटायरमेंट ही नहीं है, ये तो जीवन भर करना पड़ेगा नौकरी। अब गुरु की नौकरी है, पहले रेल की नौकरी थी, उसमें तो अभाव ही अभाव था, इसमें कोई अभाव नहीं है, समझे। तो इस प्रकार मुझ में एक परिवर्तन आ गया, और वो केवल मंत्र से आ गया। मैं राधा और कृष्ण के मंत्र की दीक्षा देता हूं, और यहां ज्यादा रिस्पॉन्स मिल रहा है क्योंकि ये कृष्ण की कर्म भूमि है, समझे। तो ये परिवर्तन आने लग गया, समझे। तो जो मैं मंत्र दूंगा आपको, अब जो दो तरीके हैं, मंत्र जप और ध्यान। मंत्र के बारे में महर्षि अरविंद ने कहा है कि इस देश का उद्धार दो मंत्र करेंगे। पहला मंत्र तो 1906 में प्रकट हो गया, वंदे मातरम, अखबार निकला था बंगाल से। और दूसरे के लिए कहा है कि वो संजीवनी मंत्र है, वो माइस्टिक है, मोस्ट सीक्रेट है, बट नॉट येट रिवील्ड। उसको संजीवनी मंत्र कहा है। हनुमान जी संजीवनी बूंदी लाए थे, लक्ष्मण बेहोश हो गए, और दी तो होश में आ गया, मर जाते नहीं उसमें, कुछ नहीं होता। इसलिए आप जो भी लोग हैं इस मंत्र की दीक्षा मैं दूंगा, उसको जपोगे तो उस रोग से नहीं मरोगे जिसको डायबिटीज, एक्सर, वो कैंसर, ब्लड कैंसर, हेपेटाइटिस भी कुछ भी है। ये संजीवनी मंत्र है 1990 से, ये मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, और नाम जब जपना शुरू कर दे तो वो रोग नहीं मारेगा आपको, चाहे मेडिकल साइंस ने उसे इनक्योरेबली कहती है। एक विचित्र चमत्कार हो रहा है, विज्ञान बड़ा परेशान है। राजस्थान में जयपुर में मेरा प्रोग्राम हुआ, नाको वाले भी आ गए, नेशनल एड्स काउंसिल के लोग भी, कुरेशी साहब हैं कि दिल्ली में बैठे हैं, उन्होंने कहा जी बिना दवाई के ठीक नहीं हो सकता, हम नहीं मानते। मैंने कहा मैंने 5000 केस दे दिए, नेगेटिव और पॉजिटिव, अब क्या करें। पहले मुझे कहते थे, ईमेल आते थे कि तेरी पैरासाइकोलॉजी लेबोरेटरी में रिजल्ट देगी तो ही मानेंगे। मैंने कहा चलो लेबोरेटरी में आ जाओ, मैंने दी हुई है यहाँ फाइल दी हुई है कंप्लीट 500 केसों की, उसमें ईमेल नंबर दिए हुए हैं, फोटो दिए हुए हैं, समझे नहीं समझे। आप उनसे यहाँ प्रेस को दिया है, मैंने सारी लिस्ट दी है, मगर मैंने कहा आप छापना नहीं, क्योंकि आदमी इस बदनामी से डरता है, मगर आप इंक्वायरी कर लो, आप जितने भी दिए हैं पूरे देश के हैं, केरला को छोड़ के, समझे, पूरे देश के। अब ये बड़े परेशान हैं। तो ये एक विज्ञान है, अद्वितीय विज्ञान है। योग कई तरह का होता है, जप योग, लय योग, ध्यान योग। मैं जिस योग की बात करता हूं वो है सिद्धि योग, मतलब योग में 5 प्रकार के वायु होते हैं, प्राण, अपान, समान, उदर, व्यान। तो प्राण वायु जो स्वामी रामदेव जी कपाल बाधी पता नहीं पाताल भाषी करवा रहे हैं, समझे समझे, मैं नहीं करवाता। मैं तो आपको मंत्र दीक्षा दूंगा, उससे आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाएगी। बाहर जिसको आप लोग पूछते हो, राधा कह दो, सीता कह दो, पार्वती कह दो, अम्बा कह दो, दुर्गा कह दो, योगी ने उसका नाम रख दिया कुंडलिनी। वो हर स्त्री पुरुष में, हर मानव में होती है। वो रीढ़ की हड्डी के आखिरी हिस्से में, जिसे सक्रम कहते हैं, बेसमेंट में 3.5 घंटे लगा करके पूंछ को अपने मुंह में दबा के सोई हुई रहती है। लोग कहते हैं जी इसको जागृत करने से आदमी पागल हो जाता है, मर जाता है। ये बात ठीक है उनकी, अठयोग से ऐसा आप नहीं कर सकते, समझे समझे। अगर कोई गुरु समर्थ है और उस गुरु का आदेश है पीछे कि अब ये तरह काम करना है, तो फिर वो नुकसान नहीं करती, वो उसके आदेश से कंट्रोल, वो उसको कंट्रोल किए हुए रहता है, चाहे वो विश्व के किसी से बैठा है। और वो
ऊर्ध्वगमन करने लगती है, ऊपर उठने लग जाती है। हमारे दर्शन में कहा हुआ ना कि जो ब्रह्मांड में वो सारा पिंड में, जो पिंड में वही ब्रह्मांड में। और पांच वायु जो है अपान वायु नीचे डिस्चार्जेस को बाहर फेंकता है, जब तक वो ऊपर नहीं उठेगा तो कुंडलिनी नहीं ऊपर उठेगी। तो इसमें तीन बंद लगते, पहला बंद लग गया मूलाधार में, अपान वायु नीचे नहीं जाएगा तो रीढ़ की हड्डी की एक्सरसाइज होगी, जो ये नाभि से ऊपर उठी दूसरा बंद लग जाएगा, ऑटोमेटिकली लग जाएगा। आपको केवल मेरा यहां ध्यान करना है, नाम जप करना है, इससे आगे आपको कुछ नहीं करना। वो कुंडलिनी शक्ति आपका शरीर प्राण मन और बुद्धि अपने वश में कर लेगी और सारी योगी क्रियाएं स्वयं कराएगी। उसी अंग की योगी क्रियाएं होगी जो आपका प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा, इसलिए जितने बैठे हो उन सबको अलग अलग तरह की योगी क्रियाएं होगी। उस अंग विशेष को मतलब स्टिमुलेट किया जाएगा, टोन अप किया जाएगा। जब तक वो प्रॉपरली फिट नहीं होता है तब तक वो मूवमेंट होता रहेगा, एक्सरसाइजेस होती रहेगी, इससे सारे शारीरिक रोग ठीक हो जाएंगे। जो ये कुंडलिनी यहाँ कंठ से ऊपर उठी, कंठकूप कहते हैं इसको, तो तीसरा बंद लग जाएगा जालंधर बंद। अब इससे आगे जो गर्दन का थोड़ा हिस्सा रह गया उसमें हर तरह का मूवमेंट संभव नहीं, तो प्राणायाम होता है। आज तो प्राणायाम पहले कराते थे, हमारे इसमें पहले आसन लगेगा फिर बंद लगेंगे, समझे समझे। और यहां से जो ही ऊपर गई कुंडलिनी पूर्ण कुंभक हुआ तो समाधि लग जाएगी। तो हमारे योगियों ने शरीर को मतलब दो भागों में मोटे तौर से बांटा, एक तो यहां से ऊपर ऊपर का हिस्सा, यहां से नीचे नीचे का हिस्सा। इस नीचे के हिस्से में नौ द्वार है, नौ द्वार आंख कान नाक मुंह वगैरह, वो उनका मुंह बाहर खुलता वो एग्जिट है एक्साइटिंग। और ये दसवां द्वार जिसको शिव की तीसरी आंख भी कहते हैं, ये दसवां द्वार है। तो यहां से ऊपर नीचे नीचे कैसा, मतलब सात प्रकार के सेल से इस शरीर की रचना है, हमारा ऋग्वेद कहता है अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष और विज्ञानमय कोष, फिर आनंदमय कोष, चित्तमय कोष और सत्यमय कोष। तो उस मंत्र दीक्षा से ये चेतन हो जाएंगे और तीसरी आंख खुल जाएगी, तब फिर यहां से साधक ऊपर चढ़ता है, आनंद चित्त और सत्य यहां पहुंच जाता है। हमारे देश में एक यागवल्क ऋषि हुए हैं, यागवल्क महर्षि अरविंद के अनुसार वो आनंद तक तो पहुंच गए, मगर चित्त और सत्य की अभी चेतना आई नहीं आज तक। अब वो मुझ में गुरु कृपा से आ गई, आ गई, मगर जब तक शारीरिक रोग खत्म नहीं होगा न ध्यान लगेगा न समाधि लगेगी। योग में आठ प्रकार के अनुष्ठान की बात कही है, समझे समझे। तो जब तक ये तीसरी आंख नहीं खुलते कि न ध्यान है नहीं हो गए, समझे। मच्छेद्र नाथ जी कलयुग के आदि गुरु थे, समझे। गोरखनाथ जी तो जग प्रसिद्ध हो गए। मत्स्यनाथ जी ने कहा ये योग जो है वेद रूपी कल्पतरु का अमर फल है, इससे साधक के त्रिविधि ताप शांत होते हैं, आदि देहिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। आपके अंग्रेजी भाषा में फिजिकल डिजीज, मेंटल डिजीज और स्पिरिचुअल। भौतिक साइंस फिजिकल और मेंटल को तो टच करती है, स्पिरिचुअल के मामले में पिछड़ जाते हैं। स्नायु मंडल को डर कर टच करता हुआ आज का डॉक्टर डरता है, समझे। तो ये कुंडलिनी सारी चेतना से आकर यहां पहुंचा दी गई आपको, जिसके लिए दोनों सिद्धियां हो गई। अरविंद ने कहा जिस दोनों सिद्धियां हो गई, यहां जिसके लिए असेंड करना पड़ता तो वो डिसेंड कर जाएगा इस फिजिक्स में, समझे। और उसके कारण से फिर आदमी मृत्यु के मरने के बाद में मोक्ष नहीं पाएगा, यहां जीते जी मृत्यु को प्राप्त, मोक्ष को प्राप्त कर लेगा मरने से पहले। मरने के बाद तो जन्म नहीं पड़ता है, उससे पहले सारे कर्मों का फंदा जब तक नहीं कट जाता आदमी को आना ही पड़ता है।
समझे सर। तो इस प्रकार जो योग होगा शारीरिक बीमारियां खत्म हो जाएगी। अब मानसिक बीमारियों में खत्म कैसे हो, 80% रोग जो है मेंटल टेंशन से रिलेटेड। भौतिक साइंस नशा देती है जिसका 4-6 घंटे असर होता है। जब तक नशा रहता है तो आदमी कुछ आराम महसूस करता है, नशा उतरते ही वो रोग वैसा वो टेंशन वैसा। नशा तो हम भी करवाते हैं भाई, मगर वो मैटर का नहीं स्पिरिट का कराते हैं, भगवान के नाम का नशा करवाते हैं। ईश्वर के नाम में नशा होता है, हमारे संतों ने इसको नाम कुमारी का नाम कुमारी। नानक देव जी ने कहा है, भांग धतुरा नानका उतर जाए प्रभात, नाम कुमारी नानका चली रहे दिन रात। कबीरदास ने ये कहा है, नाम अमल उतरे ना भाई, नाम का नशा उतरता नहीं, और अमल छिन छिन चट उतरे, नाम अमल दिल बढ़े सवाया। भगवान कृष्ण ने इसको दिव्य आनंद का है, अक्षय आनंद का है, इंद्रियातीत आनंद का है, समझे समझे। अब वो भौतिक रूप से सुखी है, वो आनंद है जी, कार बैठे पोते बंगला, और एक आनंद, एक आइटम गड़बड़ हो गया तो आनंद में खलल। तो आनंद नहीं है वो, भौतिक सुख है। आनंद अनंत होता है, वो आपके अंदर से होता है, समझे समझे। तो इस प्रकार वो टेंशन खत्म हो जाएगा, आनंद में आने लगे, आनंद रहेगा, 24 घंटे मस्ती में रहोगे, इंटॉक्सिकेशन विदाउट ड्रग, डॉक्टर बड़े हैरान है। पहले तो इंजीनियर बहुत आए, अब तो डॉक्टर 100-150 राजस्थान में, पर वो कहते हैं जी वेस्ट नहीं मानेगा। तो मैं गया वेस्ट में, 2-2 पे गया हूँ अमेरिका, वो भी बड़े हैरान है कि आपने ये क्या कर दिया। तो मैं अब दोनों सिद्धियां हो गई, इसलिए मेरी तस्वीर से योग होने लग गया, समझो। अब तस्वीर से योग हो रहा है, मैंने कहा भी ये तो निर्जीव मैटर है तस्वीर, तो ये सजीव को क्या कर रहा है। विज्ञान हैरान है, वास्तव में हैरान है, क्योंकि दोनों सिद्धियां होगी इनोसेंट वे में होगी। तो इस प्रकार कितने लोग कहते हैं अफीम मत खाओ, शराब मत पियो, भांग मत खाओ, कोई मानता क्या? इधर से सुनते इधर से निकालते। मैं कहता हूं मत छोड़ो, एक बोतल पी रहे हो तो आज से डाइट शुरू कर दो, मगर नाम ही मत छोड़ो। नाम छोड़ दिया तो वो जहर जो है आपको नहीं छोड़ेगा, समझे समझे, नाम का नशा चढ़ जाएगा और आज से पीना बंद हो जाएगा। हाँ, अफीम में थोड़ा टाइम लगता है। एड्स और ब्लड कैंसर तो मेरी तस्वीर से ठीक हो रहे हैं, ट्यूमर वाले कैंसर में थोड़ा टाइम लगता है, मगर इनक्योरेबल है, फिर क्योर क्यों हो रही है? मेडिकल साइंस से इनक्योरेबल कहती है, वो क्योर क्यों हो रही है? तो एक बहुत अजीब तरह का परिवर्तन आ रहा है, इसलिए विज्ञान परेशान तो है ही है। तो मेरा जीवन का उद्देश्य कोई रोग नहीं है, मैं नहीं जानता रोग क्या होता है भाई, मैं तो भगवान के नाम से सारा क्योर कर दिया, कृष्ण राधा और कृष्ण के मंत्र से सब मूवमेंट हो रहा। तो इस प्रकार शारीरिक रोग खत्म, मानसिक रोग खत्म, नशों से छुट्टी, ये जीवन तो सुधर गया, समझे समझे। पर विश्व की स्थिति कलयुग है तो सारी दुनिया के लिए है ना। कृष्ण ने कहा ना, यदा यदा ही धर्म से ग्लानीर भवति भारत अभ्युत्थान धर्म तदात्मान सृजा धर्म परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युग युग। तो वो युग आ गया। आज जितने भी गुरु हैं सभी धर्मों के कहते हैं पीछे देखो पीछे देखो। हम कहते हैं राम ने किया, कृष्ण ने किया, और सतयुग में चला जाओ ईसा ने किया, मूसा ने किया, मोहम्मद ने किया, महावीर ने किया, बुद्ध ने किया। तो किया वो तो कर लिया, पीछे देख रहे हैं हम, बता रहे हैं पीछे की बात और चल रहे हैं आगे।
जब दिखे चलेंगे देखेंगे पीछे चलेंगे आगे तो ठोकर नहीं खाएंगे क्या होगा। केवल हमारा पातंजलि योग दर्शन कहता है आदमी ध्यान और समाधि की स्थिति में अनलिमिटेड पास पास्ट देख सुन सकता। आपकी भौतिक साइंस मानती है कि जो शब्द बोला गया वो ब्रह्मांड में रहता कभी नष्ट नहीं होता, अगर प्रॉपर मशीन हो तो उसको सुना जा सकता है। अभी सुन नहीं पा रहे हालांकि कुरुक्षेत्र में अभी कोशिश कर रहे हैं बोलो। हमारा योग कहता है कि जब शब्द है तो बोलने वाला तो होगा ही होगा, उसके बिना कैसे शब्द आया, तो बोलते हुए देखा सुना जा सकता है, वो तो पास्ट है, वो तो रिप्ले दिखाना है। साधक अनलिमिटेड फ्यूचर को देखता सुनता है। अभी पास्ट की बात जब मैंने मेरी किताब लिखी है अभी आपको मिलेगी काउंटर पर, रिलीजियस रिवोल्यूशन इन द वर्ल्ड, उसमें मैंने कहा है कि आपका ईसा 18 साल कहां रहा। अगर ध्यान करोगे तो हमारे सिद्धांत के अनुसार मंत्र दीक्षा मैं भी देता हूं राधा कृष्ण की, बॉम्बे में बहुत मुसलमान है उनको दिए और एड्स कैंसर ठीक हो रहा। ये तो एक यूनिवर्सल चेंज है, ह्यूमन बॉडी में होने वाला परिवर्तन है, इसमें सिख बौद्ध जैन मुस्लिम कोई मायने नहीं रखता है, समझे। ये बड़ा अजीब रिजल्ट आ रहा है। तो ईसा मसीह इजराइल से गायब हुआ 12 साल की उम्र में और 18 साल भटकता रहा और 30 साल की उम्र में फिर वहां पहुंचा, तो 3 साल का उसका पीरियड है, उसको मार दिया बेचारे। कई आते थे पिसाई मेरे पास, मैंने कहा उसका दोष क्या था, तो यदि उसने कहा मैं ईश्वर का पुत्र हूं, मैं क्या अब तुम क्या कर रहे हो, एक बात इकलौता बेटा था वही सजा तुम्हें मिलनी चाहिए भाई, एक गुना की सजा एक ही होती है, तो अब मेरे पास नहीं डरते वो लोग। तो एक ऐसा विज्ञान है जो बड़ा अजीब है। तो आप ध्यान और समाधि की स्थिति में अनलिमिटेड फ्यूचर को देखोगे। इस प्रकार मरना जन्मना घात प्रतिघात सारे देखेंगे। और अगर आपको ध्यान में 10-20-30 ऐसे आदमी की मौत दिखेगी जिसको आप जानते हो, और अप्रोक्सीमेटली किस उम्र में मरने का कारण क्या होगा, रोग हो कि विस्फोट होगा कि क्या होगा क्या होगा, और जैसे दिख गया वैसे मरते गए तो घबरा जाओगे। फ्यूचर को देखा जा सकता है। बेंगलोर में मेरे बहुत शिष्य हैं, लातूर में एक महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में एक भूकंप आया था लातूर, तो वो लोग बिजनेसमैन है, संडे को ध्यान करते हैं, तेजराज नाम के एक राजपुरोहित है, उन्होंने देखा जी आदमी जमीन में जा रहे, और बृहस्पतिवार को वो घटना घट गई। तो इस प्रकार अगर अनलिमिटेड फ्यूचर देखें, विश्व में कहीं हो भूकंप हो कैसा ही हो दिख जाए तो कितनी कम हो जाएगी जनहानि, कितनी कम हो जाएगी। अगर ये देखना, ये तो विज्ञान तो हमारा ही दर्शन बताता है फ्यूचर, और कोई दर्शन तो बताता नहीं है। तो इसलिए ईसाई प्रशासन है, ईसा दोबारा प्रकट हुआ तो उसने हमारी भाषा बोलने शुरू कर दी, एक्सेप्ट ए मैन बी बोर्न अगेन ही कैन नॉट सी द किंगडम ऑफ गॉड। ये तो मैंने कहा ये तो बी बोर्न अगेन तो मतलब भारतीय विज्ञान है, आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा नहीं है, अद्वैतवाद को तो प्रूव किया हुआ, अब वो पूर्ण प्रकट हो गया, समझे, दोबारा प्रकट हो गया। महर्षि अरविंद ने साहब कहा कि भारत योग को अपने सामने रख के उठ रहा है, योग के द्वारा वो सच्ची स्वाधीनता सच्ची एकता प्राप्त करेगा और योग से ही उसकी रक्षा करेगा देश की। तो आज जो प्राणायाम करवाए जा रहे हैं इससे रक्षा होगी क्या। महर्षि अरविंद ने साहब कहा मैन इज ए ट्रांजिशनल बीइंग, ही इज नॉट फाइनल बट ही विल बी। तो मैंने जो ये भविष्यवाणी है इसको मूर्त रूप दे रहा हूं, मैं कोई एक नया धर्म नहीं चला रहा हूं, जो चीजें पहले हो चुकी है
उसी को रिपीट कर रहा हूं। अरविंद साहब का आगामी मानव जाति दिव्य शरीर धारण करेगी, समझा, डिवाइन फॉर्म में बदल जाएगी, अपने असली फॉर्म में बदल जाएगी। तो इस प्रकार एक ऐसा विज्ञान है ये हमारा, जहां भौतिक विज्ञान खत्म होता है वहां से ऊपर हमारा शुरू होता है, समझे। तो अब परेशान तो है साइंटिस्ट, और मुझे गुरुओं का आदेश है कि इस ज्ञान को अगर तेरे विश्व दर्शन बनाना है तो विश्व में जाओ। मैं अमेरिका गया तो लोगों ने कहा जी कितने आएंगे अमेरिका में, तो आप ही क्यों नहीं आ जाते। एक मैंने कहा बिल्कुल आऊंगा, मगर आपको इसके लिए भारत सरकार से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, तो आऊंगा नहीं तो नहीं आऊंगा, तुम डायरेक्ट तुम्हारे कहने से नहीं आऊंगा, नहीं तो तुमको आना पड़ेगा इंडिया, समझो, बीमार को आना पड़ेगा। अमेरिका से एक आया था विलियम किम और जॉर्ज किम, कैंसर था उसको, समझे। तो कई आ गए मेरे पास विदेशों से, मंत्र दीक्षा तो वही देता हूँ राधा और कृष्ण की, चाहे मुसलमान आ जाए चाहे ईसाई आ जाए चाहे बौद्ध जी। हाँ, इस देश में दो धर्म पैदा हुए, बौद्ध और जैन, वो अहिंसावादी धर्म है, मगर वो समाई की बात कहते हैं, समाधि की बात नहीं कहते। एक जे जे हॉस्पिटल में लड़की थी, समझे, तो उसको वो कोटा ले आया, उसका हस्बैंड तो मर गया था, वो मरते हुए तो रिपोर्ट फेंक गया फाड़ के कि 2 महीने बाद तेरे को मरना है। तो कोटा से वो वापस गई जे जे हॉस्पिटल, तो डॉक्टर ने 3 दफे खून लिया, तो उसने कहा कि डॉक्टर साहब रोज तो 1 दफे लेते हो। उसने कहा तेरा आदमी तो मर गया। नहीं कहा तेरे को तो एड्स ही नहीं है, एड्स ही नहीं है तेरे को। मैं गया 2004 में, तो उस लड़के ने कहा कि गुरुजी मेरे को तो एड्स ही नहीं है, मेरा आदमी तो मर गया था एड्स। मैंने उसके फादर को बुलाया, मैंने कहा पुलिस में FIR कराओ, क्या होती रिपोर्ट ले। उसने रिपोर्ट नहीं दी, एम्स से 2-3 डॉक्टर मेरे पास भेजते और स्ट्रेचर में डाल के। मैंने कहा एक डॉक्टर अग्रवाल है, मैंने कहा जी गुप्ता जी आप इसको थोड़ा पहले भेज दिया करो। तो कहना गुरु जी बदमाश होते हैं एड्स वाले, तो कहेंगे कोई हिसाब किताब होगा, तांत्रिक के पास भेज रहे हैं, इनके पास इलाज नहीं है। तो जब पॉइंट डेथ पे हो जाता है तो स्ट्रेचर पर डाल में लाते भी कहने रहो भगता हो जाता। CNN को मैंने 500 केस दिए, जो अमेरिका का सबसे बड़ा नेटवर्क है, और जो फाइलें मेरे पास उनको दिया हुआ है, उन्होंने कहा जी 6 महीने बाद बोलेंगे, आज तक नहीं बोले, 3 साल हो गए, समझे। तो एक ऐसा विज्ञान है जो अब चमत्कार दिखा रहा है दुनिया को, और ईसाइयों को आना पड़ेगा, ईसा के जन्म से लेके मृत्यु तक कहां रहा वो। एक बॉम्बे के लड़के ने फिल्म बनाई है, वो इलाहाबाद आदि सब जम्मू कश्मीर में वो यहाँ के ऋषियों से ज्ञान लेके गया है। जब उनको दिख जाएगा कश्मीर में शैव सिद्धांत के अनुसार वो ज्ञान ले रहा है, चटाचूट दे रही है पास, तो क्या बोलेंगे। उनको कहना पड़ेगा जिसे हम ईसाई दर्शन कहते हैं वास्तव में वो वैदिक दर्शन है, मैं इसी के लिए संसार में रहा हूं, इसीलिए फिर जाऊंगा वो अमेरिका। वो मान लेगा, पूरा देश मान लेगा, समझे। हमने तो विचार ही उनके उधार लेके रखे हुए हैं। विवेकानंद जी और योगानंद जी के बाद वहां कोई नहीं गया। अभी मुनेश्वर सिंह नाम का एक TT है रेल में जोधपुर में, उसकी लड़की 97 की बात है, उसकी लड़की 1.5 फीट जमीन से ऊपर उठ जाती थी। ये फिजिकल बॉडी ऊपर क्यों उठ गई, गुरु आइंस्टाइन और न्यूटन कहां गए, गुरुत्वाकर्षण खत्म क्यों हो गया। एक अखबार निकलता है स्पिरिचुअल साइंस, उसमें उसकी फोटो भी है, समझे भाई। फिजिकल बॉडी क्यों उठी, सबटल बॉडी तो ठीक है उठ गई,
इंडिपेंडेंट फ्रॉम बॉडी की एक बात आती है अरविंद की किताब में कि आदमी जो है इस शरीर से बाहर निकल के कहीं भी जा सकता हूं, समझो। मगर ये ज्ञान जो है जब इसको वेस्ट मानेगा तो ही दुनिया मानेगा भाई। तो अब मैं आपको मंत्र बता दूं, उसके बाद में 15 मिनट ध्यान करवाऊंगा, समझे समझे। अब बहुत गुरु जो है ना तो नहीं लूंगा मैं कि 20 साल तक ये आराधना कर दो कुंडलिनी जाग जाएगी। मैं कहता हूं गुरु चला इस दुनिया में भी रहेंगे क्या 20 साल, इसकी क्या गारंटी है? और 20 साल बाद क्या हो जाएगा जो आज नहीं है? एक उदाहरण दो, अष्टावक्र जी का राजा जनक को एक सिनक सवार हुई कि तत्व ज्ञान प्राप्त किया जाए, बहुत गुरुओं को बुला लिए। अष्टावक्र गीता एक है, 18 अध्याय है उसमें। उधर से अष्टावक्र जी आगे बेचारे का 8 कूप थी, तो जनक ने कहा कि महाराज ये गुरु तो नहीं तत्व दर्शन की जानकारी दे सके, तो आप बता दो। पहले उनको जवाब दिया कि राजा नहीं तो खाल के व्यापारी है, खाल के व्यापारी। उन्होंने चलो आप बता दो, मगर आप बता दो ये राजा जनक है इसलिए ऑर्डर कर रहा है तो नहीं बताऊंगा। ये ज्ञान तो झुकने से मिलता है, राजा है तो तेरा राज है ना, तेरा राज। उन्होंने हाथ जोड़ के दिया जी खत्म है। तो उदाहरण आता है कि घोड़े के एक रकाब में पैर रखा, दूसरे में नहीं रख सका, 3 दिन तक समाधियों का डाला। तो ये बताने का मेरा मतलब आपको यह कि आपको इसमें देर नहीं लगेगी, ये आंख बंद ये खुली छुट्टी। मैं आपको दे कुछ नहीं रहा हूं, आप बाई बर्थ पूर्ण हो। मैं तो आपको अपने आप से इंट्रोडक्शन करवा रहा हूं, कुछ देऊं तो लेऊं। हाँ, संस्था चलाने के लिए कोई देना चाहे, ब्रह्म कुमारी प्रजापिता ब्रह्म कुमारी, और केवल बौद्धिक एक्सरसाइज और इंटरनेशनल लेवल में, नेशनल में तो है, उसके बाद छोटे छोटे गांव में है वहां भी है। एलिजाबेथ हार्पर मेरे पास आई, वो मेरे शिष्य है अभी डेनिस कुचिनी की, वो कांग्रेस में चुनाव लड़ रहा था, तो वो आई मेरे पास। उसको न्यूयॉर्क में 2 सफेद कपड़े वाली मिली प्रमुख माध्यम, तो मेरे को सफेद कपड़े मेरे शब्द उसके, उसने कहा गुरु जी मेरे को 2 नंस मिली, नंस ही पहनती है कपड़े सफेद, वो नंस ही जानते हैं। तो उन्होंने कहा हम तो ब्रह्म कुमारी हैं, ब्रह्म कुमारी हैं। तो क्या आपके वो आपके मिशन की है क्या सफेद कपड़े रह गए ना? मैंने कहा नहीं बेटा मेरा नहीं। अब एक बड़ी समस्या और हो गई, वो मेरे पास आके आई थी 1997 में, उसने कहा जी, इसकी मदन ने कहा कि लड़की जब 11 साल की थी तो ये कहती थी पिछले जन्म में मैं पायलट थी पायलट, तो इसके फादर ले गए एक दिन और पायलट का इसको प्लेन लैंड करने दे, तो किसी ने प्लेन उतार दिया जैसे एक ट्रेंड पायलट हो रहा। मैंने कहा तो बहुत जुलम हो गया, क्यों? मैंने कहा तुम्हारी बाइबल तो कहती है कि कब्रें खुलेगी, 1-7 मुर्दे जिंदा होंगे, न्याय होगा, ये कब्र से पहले निकल के क्यों आ गई? मैंने कहा तुम्हारा धर्म अधूरा है, हमारे आत्मा में कोई जेंडर नहीं होता, न्यूट्रल जेंडर है, पिछले जन्म में मेल थी फीमेल हो गए। तो माँ तो नाराज हो गई, मैंने मन वो थोड़ी बुढ़ी है ना, कल तक हमारे हम इन पर राज करते थे, उस लड़के को कोई मतलब नहीं था, वो अब वहां चले गए, वो मेरे पास न्यूयॉर्क आई मिलने के लिए, फिर अपना घर भी ले गई ओहियो स्टेट में क्लीवलैंड सिटी है। तो मैंने कहा अलजाबाद अब तू ये कह सकती है क्या? तो कहने गुरु जी ईसाई परेशान कर लेंगे, ईसाई परेशान कर लेंगे। तो ये एक ऐसा दर्शन है जो मूर्त रूप ले रहा है भाई। भौतिक विज्ञान जहां खत्म होता है अध्यात्म विज्ञान वहीं से शुरू होता है। और अगर इसको विश्व दर्शन, मेरे जीवन का उद्देश्य है वैदिक दर्शन विश्व दर्शन हो, वेदांत प्लस योगपूर्ण दर्शन है। वेदांत का मतलब जो विज्ञान ने प्रूव कर दिया, जैसे योग हुआ उसे जो रिजल्ट आया उन्होंने लिपिबद्ध कर लिया, वो कथा तो सुना रहे हैं मगर वो योग गायब हो गया, अब वो पुनः सर्वेश पा रहा है।
एक भविष्यवाणी है क्रिएशन ऑफ न्यू वर्ल्ड, सभी ईश्वरवादी धर्म करते हैं। अब वो कैसा होगा? तो कहा क्रिएशन ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड। उस स्पिरिचुअल वर्ल्ड के आदमियों की क्या स्थिति होगी? तो कहा है डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा आपका, आप दुज बन जाओगे। समझे समझे? तो दुज बन जाओगे तो गुरु के प्रति झुक के प्रार्थना करो और नाम जप करो। भौतिक दंड से अगर ये ज्ञान मिलता होता तो अमेरिका के तजुरी में होता राम बंद, तुम्हारे तक पहुंचने नहीं देते उसको। मगर ये भौतिक साइंस से कंट्रोल नहीं हो पा रहा। अब एड्स ऐसी बीमारी है जिसे सारे अंग एक साथ विकृत हो जाते हैं, अब किस अंग का ट्रीटमेंट करें? और या मेरी तस्वीर से योग हो रहा है, एड्स कैंसर ठीक हो रहा है? समझे? रोज ही न्यूर आई थी 2003 में मेरे बीकानेर घर दीक्षा लेने के लिए। तो उसने कहा आप तो यू आर इनकार्नेशन ऑफ जीसस, आप यहां क्यों बैठे हो? चलो अमेरिका मेरे साथ। तो मैंने कहा मैं ईसा कैसे हो सकता? अच्छा उसको ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, यहां उसने देखा मुझे तो मैं ईसा बन गया, फिर अपने असली फॉर्म में आ गया। फिर उसने 200-250 अपने, वो 54 साल की थी, वो 50 साल तक स्त्री पुरुषों को कंप्यूटर सिखाती थी, तो सबको हो गया। फिर वो एक बार थे सब आ रहे थे 200-250, फिर कहा इसको ही जाने दो। वो अकेले आई मेरे से दीक्षा ली, आनंद आने लग गया उसको। अपने हस्बैंड को फोन किया, वो आनंद आएगा नाम जप करेगा, आपको आएगा अभी आएगा। तो उसने हस्बैंड को फोन किया तो उसने कहा मैं समझ गया सीधा हॉस्पिटल ले जाऊंगा तेरे को एरोडॉम से। और हमारे ये सन्यासियों ने नशे से बदनाम कर दिया धर्म को, बिना नशे के भांग खाते हैं, अफीम खाते हैं, रात दिन नशे में बैठे रहते हैं। नाम करने से वाली बात तो कल्पना की बात रह गई। सरदार भी एक बार बहुत हैरान है कि नानक देव जी ने कहा तो ताम ग्रह को तो नहीं आता। एक विचित्र प्रकार का विज्ञान है जो प्रकट हो रहा है। मेरा ऑब्जेक्ट है इसको विश्व दर्शन बनाना, मैं पूरे विश्व में मेरे शिष्यों को भेजूंगा संस्था की तरफ से। समझे ना? समझे? तो ये मैंने एक थोड़ा सूक्ष्म में ब्रीफ में इसका इंट्रोडक्शन करवाया। अब वो मंत्र बता देता हूं, मगर मंत्र जो है पहले एक बात सुनो भाई प्रेस वाले, इसको टैप नहीं करना। और प्रेस मीडिया वाले तो भैया इस नाम को मत छापना, ये ऑफ द रिकॉर्ड है, मेहरबानी करके बाकी जितना भी जो कुछ रिजल्ट मिले छापो। अभी यहाँ लोगों को जो जो अनुभूतियां होगी उनका इंटरव्यू लो, छापो अखबार में। और 50 लाख पटेल जो है गुजरात के वहां है उनको मैसेज जरूर करो, मेरे वेबसाइट का नंबर दे दो।